हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज का टॉपिक ऑफ द डे जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के बारे में भी हम काफ़ी बार करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, सो कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं इसके बारे में शेयर करने के लिए। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपना पेपर पेन उठाएँ और साथ में ही वीडियो के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यूनिसेफ की। सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हम पढ़ रहे हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है। सो यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूएन्स इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। यूएन्स मतलब यूनाइटेड नेशंस, इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशन की ही आगे कोई संस्था है, उसके अंडर ही वर्क करती है, ठीक है। प्लस इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी अगर बच्चों से रिलेटेड कोई बीमारी फैलती है या कोई भी बच्चों से रिलेटेड गरीबी हटानी कुछ भी करना है तो उसमें इमरजेंसी मतलब कोई आ जाती है तो वहाँ पे फंडिंग यानी हेल्प ये प्रोवाइड करवाते हैं, असिस्टेंस ये प्रोवाइड करवाते हैं यूनिसेफ, राइट। याद रखना है यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच है, ओके, ऑल्सो कॉल्ड यूएन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से भी ये जाना जाता है, राइट। अब आगे चलते हैं। एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मानवता से रिलेटेड, समझते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड, कहीं भी विकास करना है बच्चों से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहाँ पे हेल्प या असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना इसका काम है, ठीक है। मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली, समझते हैं, रिकॉग्नाइजेबल मतलब बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है इसकी वर्ल्ड में, तो इस तरह की सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 11th दिसंबर 1946 को, राइट। नाउ क्रिएटेड ऑन दिस डे, ये इस दिन पे बना था। आगे चलते हैं, हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, न्यूयॉर्क। हेड की बात करते हैं, कैथरीन एम रूसेल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हेड, बट एक कमेंट आया था कि मैम आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में हेड नहीं बताया, तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा था हेड, इसलिए मैंने नहीं बताया था। अब देखिए होता क्या है ना, कोई भी चेयरमैन है या लीडर है, प्रेसिडेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो इंपॉर्टेंट कब होता है, या तो उसकी न्यू अपॉइंटमेंट हुई अभी 1, 2, 3, 4 महीने पहले, तब वो इंपॉर्टेंट है, या फिर वो इंडियन ऑरिजिन है तब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर इंडिया में उन्होंने कोई, इंडिया में कभी आए हों या कुछ हुआ तब इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने सारे उनके हेड होंगे, कोई चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन होगा, हम क्यों उनको याद करेंगे ना, हम तो इंडियन ऑरिजिन याद करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए, हेड हमने पढ़ लिया, कैथरीन एम रूसेल थे। अब आगे आता है कि ये बना है 1946 11th दिसंबर को, तो क्या स्टोरी है उसके पीछे की वो हम पढ़ेंगे, राइट। सो 1946 में क्या हुआ था, ये बना था यूनिसेफ टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू चिल्ड्रन एंड मदर्स अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर टू। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी सेकेंड, ठीक है, 1939 से 45 तक चली थी, तो उस टाइम पे बच्चों ने और उनकी मदर्स ने बहुत कुछ मतलब फेस किया था, किया तो इवन सब ने ही था, बट होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा झुकाव होता है महिलाओं और बच्चों की तरफ, तो वही चीज़ थी कि इनके जो भी दुख दर्द थे उनको बांटने के लिए, जो भी रिलीफ कंडीशन समझते हैं, इनको कोई सहायता अगर चाहिए तो ऐसे हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो भी बच्चे और उनकी माताएँ हैं उनको रिलीफ पहुँचाने के लिए, है ना। अब 1950 में क्या हुआ, इसका जो एम है, इसका जो गोल है वो एक्सटेंड किया गया था। इट्स एम वाज एक्सटेंडेड टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो 1946 में इसका एम इतना था कि वर्ल्ड वॉर टू की से जो भी अफेक्टेड बच्चे और माताएं हैं उनकी हेल्प करना। 4 साल बाद यानी 1950 में इनका एम बढ़ा दिया गया, इनको ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया। अब इनका लॉन्ग टर्म नीड्स मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक जो भी ज़रूरतें हैं बच्चों की या महिलाओं की उनको पूरी करना, पर्टिकुलरली जो विकासशील देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, आपका यूएसए हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन सी, आपका इंडिया हो गया, है ना, तो इनमें जो लॉन्ग टर्म नीड्स है वुमेन एंड चिल्ड्रन की उनको पूरा करना, राइट। अब हम आगे चलते हैं, 1953 में जाके फिर यूनिसेफ बिकेम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द यूएन, यानी 1953 में जाके यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनाई है, समझ रहे हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एसएच जो एमसीक्यू वाले पेपर होते हैं उनमें तो ये वाले ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएंगे, ये आते हैं अगर आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे मेंस रहता है, तो वहाँ पे आपको, आपके पास शब्द होने चाहिए लिखने को, आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। सो मेटर्नल न्यूट्रिशन, इम्प्रूविंग सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रिलीफ इन रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स, तो मुझे नहीं लगता ये 3 चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं ये, इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसा नहीं कि यही है और भी हैं बट थोड़े बहुत
होना चाहिए आइडिया, है ना। एंड मेंबर कंट्रीज कितनी हैं यूनिसेफ की, वो ऊपर रह गया था लिखना, तो 192 कंट्रीज हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे आज का टॉपिक ऑफ द डे हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने दोनों इंस्टाग्राम और परचेज लिंक मैंने दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। राइट, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।